दोस्तों सन 1938 की बात है। लाहौर की एक पान की दुकान पर प्राण साहब की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनकी ज़िंदगी चमका दी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि स्क्रिप्ट राइटर वली मोहम्मद वली पान खाने के शौकीन थे और पान खाने के लिए वो भी उसी दिन उसी दुकान पर पहुँचे जहाँ प्राण साहब खड़े थे। वे एक पंजाबी फिल्म में खलनायक की भूमिका के लिए एक नौजवान की तलाश में थे। प्राण साहब की शख्सियत में वली साहब को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जिसकी वजह से वो उन्हें घूर कर देखने लगे और काफ़ी देखने के बाद उन्होंने प्राण साहब से बातचीत का सिलसिला शुरू किया। थोड़ी देर कुछ बात करने के बाद उन्होंने प्राण साहब को उनसे मिलने के लिए कहा, लेकिन दोस्तों यहाँ प्राण साहब ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी और वो वहाँ से चले गए। और कुछ दिनों बाद जब वली साहब प्राण से दोबारा टकराए तो उन्होंने प्राण को फ्री हाथ दिलाया और पूछा, क्या हुआ, आप मिलने क्यों नहीं आए? आखिर प्राण साहब ने चिड़चिड़ाकर उनसे पूछ ही लिया कि आप मुझसे क्यों मिलना चाह रहे हैं। तब उन्होंने प्राण साहब से आखिरकार कह ही दिया कि वो उन्हें अपनी फिल्म में एक रोल देना चाह रहे हैं। एक बार तो प्राण साहब ने उन्हें मना कर दिया और यह भी कह दिया कि साहब वो फिल्मों में काम करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आकर मिलने के लिए ज़रूर वादा किया उन्होंने उन वली साहब से। और मिलने के बाद आखिरकार प्राण साहब राज़ी हो ही गए उनकी फिल्म में काम करने के लिए। वैसे प्राण साहब ने अपने पिता को ये नहीं बताया था कि वो फिल्मों में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके पिता को फिल्मों में काम करना पसंद नहीं आएगा। जब अखबार में उनका पहला इंटरव्यू छपा था तो उन्होंने अखबार ही छुपा लिया था, लेकिन फिर भी उनके पिता को मालूम चल ही गया। प्राण साहब के फिल्मों में काम करने के बारे में जानकर उनके पिता को भी अच्छा लगा था, जैसा कि प्राण साहब ने कभी सोचा ही नहीं था। दोस्तों प्राण साहब को वली साहब ने जिस फिल्म में पहला ब्रेक दिया था वो एक पंजाबी फिल्म थी जिसका नाम था यमला जट। उसके बाद दोस्तों मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्राण साहब एक ऐसी हस्ती और एक ऐसी शख्सियत थे जो अपने आप में एक मिसाल थे। दोस्तों उनका परिचय देना सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। दोस्तों तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा आपसे कल फिर अगले एपिसोड में। और दोस्तों चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों वीडियो को कीजिए यार लाइक। ओके दोस्तों, थैंक यू।